ज्यूइंग सर्जरी हम पहले से एनेस्थीसिया दे देंगे, आपको सेडेट कर देंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, ट्यूमेसिन सॉल्यूशन देंगे, उससे पेन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, बाकी सो ये हमने मार्किंग किया है। इसमें जो है मेन आपका यहाँ पे पोर्शन है, ये पोर्शन है, सो काफी फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू दोनों जो है यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया है। सो इसमें हम यहाँ पे एक पंचर रूट करेंगे, यहाँ पे करेंगे और दोनों तरफ पहले जो है वेजर से लाइपोसक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जब लाइपोसक्शन हो जाएगा तो ये इसके नीचे ग्लैंडुलर टिश्यू बचेगा, वो भी काफी लग रहा है आपको। सो दोनों साइड में काफी है, सो ये सर्जरी के बाद एक प्रॉपर शेप आ जाएगी। ठीक है, सो आप जिम वगैरह ट्राई किया, आपने वेट लॉस वगैरह ट्राई किया, लेकिन आपको ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और ये जेनेटिक है, राइट, आपके फैमिली में है। ओके, तो इससे आप जिम में करते थे तो कॉन्फिडेंस आ पाता था कि शेप नहीं आ रहा है, तो हमेशा कॉन्फिडेंस में मतलब कमी रह जाती थी क्योंकि एक्सरसाइज में तो मतलब मेहनत होती थी, लेकिन एक चेस्ट की वजह से मैं बहुत मतलब कॉन्शियस फील करता था। पब्लिकली मैं टीशर्ट मतलब कोई भी लाइट कलर की ब्राइट कलर टी शर्ट नहीं पहन सकता, और पब्लिकली कहीं जैसे स्विमिंग करने में ऐसे कोई बहुत ऑकवर्ड लगता है। ओके, तो काफी ये कब से आप सोच रहे थे करने के लिए? मैं पिछले 3-4 साल से सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में सर्जरी से पहले डर रहते हैं। ओके, हाँ, तो फिर डर कम कैसे हुआ? आपसे कॉन्टेक्ट करके, फिर आपके स्टाफ से बात की, फिर आपसे बात हुई, तो फिर शुरू से आप थोड़ा सा फिर डर कम होता चला गया। ओके ओके, नहीं थोड़ा तो सर्जरी से पहले लगता ही है सभी को। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे बेसिकली आप देखते हो, सर्च करते हो, फीडबैक देखते हो, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता, राइट। और आप इतने टाइम से जो है इससे सफर भी कर रहे हो, तो अभी एट द एंड आपने सब कुछ ट्राई किया है, सो एट द एंड यही सोचा है ना कि अभी चलो अभी हम लास्ट में इसको ठीक करा देते हैं, राइट, क्योंकि काफी ज्यादा है आपको और दिखता भी है आपको, टी शर्ट वगैरह पहनने में भी ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, सो ये सर्जरी के बाद एक नॉर्मल शेप आ जाएगा एंड जो है प्रॉपर आपकी शेप आ जाएगी। ठीक है,